हाँ जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, आपने थंबनेल रीड किया होगा कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में आपने बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसी चीज़ के साथ साथ इस इंडस्ट्री के कुछ कहते हैं ना, बात भी उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। तो अगर देखो किसी चीज की बात हो रही है तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर है, पर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज सही है या गलत है। और देखो मैं यहाँ पे इस किसी एक चीज की आपको अच्छी चीजें नहीं बताना चाहता हूँ, आप खुद भी अपने बिहाफ पे इस चीज को एनालाइज करना। और मैं आपको लिटरली चीज बताता हूँ, मेरा अगर आपको बात बताऊं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और वो एक्सपीरियंस आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस चैनल के थ्रू आपको भी बहुत सारी नॉलेज है, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आपके कैरियर को लेके बहुत सारी नॉलेज मैं थोड़ा सा जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है लाइफ का वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात हम कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लेके। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर मैं आपको बात बताऊं उसके बारे में, कहते हैं एक चीज का फ्यूचर जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री का आपको पास्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप पास्ट जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस इंडस्ट्री ने कितनी ग्रोथ ली है और कितना फ्यूचर में ग्रोथ ले सकती है। और अगर देखो हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट के बीच में जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अमेरिका से ये शुरू हुई थी, और कहते हैं 1959 में कुछ लोगों ने सोचा कि जो हमारा सेलिंग का कंसेप्ट है, जो हम किसी एड प्रमोशन पे पैसा लगाते हैं, वो किसी सिंपल इंसान को जो कंज्यूमर है उनको ही हम क्या है थोड़ा पुश करें, या थोड़ा जो भी आपका डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस है वो अगर हम लोगों को बताएं तो हम बहुत अच्छा इसमें ग्रो कर सकते हैं। ऐसे क्या है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका में बहुत इंटरेस्ट इस चीज के बीच में लोगों ने लिया। तो इसके साथ साथ एक कहना कहावत भी आती है, कहते अगर जब आप फसल बीजते हो तो उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी साथ के साथ ही हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो इसके साथ साथ बहुत सारी गलत चीजें भी आ गई सामने। तो अमेरिका के बीच में 1972 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए, जिसके साथ आज अगर मैं आपको बात बताऊं अमेरिका के बीच में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही जो सेल परचेज है वो 80% मार्केट जो सेल परचेज की है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हो रही है। और देखो ये तो होगी बात अमेरिका की, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया के बीच में अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई है, तो ये आई है 1990 के बीच में। अगर आपको मैं बताऊं 1990 के बीच में इंडिया के बीच में ये इंडस्ट्री आई, बहुत सारी जो मल्टी लेवल कंपनीज हैं, तो ये मल्टी इंटरनेशनल या मल्टी लेवल की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के बीच में आई और उन्होंने क्या है इस इंडस्ट्री की शुरुआत की। और इस इंडस्ट्री को लेके लोगों के बीच में बहुत उत्साह आया, बहुत सारे लोग इस चीज को लेके हुए मोटिवेट हुए, या मान लो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट इसको लेके शो किया और बहुत सारे लोग इसको करना शुरू कर गए। बट आपको वो फिर चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि भाई जब आप खेती बाड़ी है, मान लो जब आप फसल बीज रहे हो तो उसके साथ साथ जो वेस्ट चीज है वो भी हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां इंडिया में भी आई जो लोगों को फेक बोला, फ्रॉड हुआ उनके साथ। तो ऐसे करते करते अगर मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी कंपनियां आई बट वो बहुत टाइम नहीं चल पाई और वो अभी बंद हो गई हैं कंपनियां। आप सभी को भी देखो है ना थोड़ा मोटा पता होगा। और बट अगर मैं आपको चीज बताऊं, जो जेन्युइन कंपनीज हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उन्होंने क्या है इंडियन गवर्नमेंट से अपील की, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने की अपील की। तो आपको ही पता है, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं राजस्थान गवर्नमेंट है,
उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल रेगुलेशन बना दिए थे, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट्स की क्या हैं गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस हैं वो जारी किए। और प्राउडली बात ये भी है कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ गाइडलाइंस एंड कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सामने लेके आ गई, है ना। जैसे आपको बहुत सारी पता होगी, और अगर मैं अभी बात बताऊं 2020-21 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, गाइडलाइंस जो जारी की थी उनके ऊपर वार्निंग आ गई थी। और अगर मैं आपको बात बताऊं 2022 के बीच में पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दिए, और जो भी वेस्ट कंपनीज हैं उनको नोटिस भेज दिया। और बहुत, अगर मैं आपको बात बताऊं, जहां तक मेरे को थोड़ा सा पता था, 130 कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट ने उन रूल एंड रेगुलेशंस के तहत बंद करवाई हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को लूट रही थी। तो देखो, मैं एक चीज आपको, इस जो नॉलेज मैंने आपको दी है इसके तहत मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है। क्योंकि मैं आपको लिटरली चीज बता सकता हूं, एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे 130 करोड़, जैसे मान लो अगर बताएं, है ना, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, और अगर उसमें से जो चीजें चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो 90% जो यूथ है उसको कवर कर सकती है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उनको रोजगार दे सकती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है। तो इस चीज को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और इस चीज को बहुत आगे लेके आया जा रहा है। सो यहां से देखो, जो भी मैं, आप खुद सयाने बन सकते हो, आप इस चीज को खुद समझ सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर इंडियन गवर्नमेंट बहुत बहुत सीरियस है तो आपका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया हो सकता है इस इंडस्ट्री को लेके। सो यहां पे बस एक ही चीज देखने की जरूरत होती है, वो है कंपनी, और वो है उसकी प्रोडक्ट के मार्केट डिमांड है या नहीं है, और दूसरी चीज वो कंपनी बेस्ट है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके एसेट्स जो भी वो खुली है किस बिहाफ पे खुली है, उसके सर्टिफिकेट आपने देखने हैं कि भाई हाँ ये सर्टिफिकेट हैं कि नहीं है, ये सब चीजें आपने देखनी है। जब आप ये सब चीजें देखते हो तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज होती है। और मैं लिटरली चीज आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक बहुत तगड़ा फ्यूचर है वो दे सकती है, और बहुत अच्छा आपको क्या है, बहुत अच्छा आगे लेके जा भी सकती है। सो देखो, डायरेक्ट सेलिंग बुरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम कर रहे हैं गलत पर्पज से वो बुरे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी, और इसके साथ साथ ही हम इस चैनल के थ्रू आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेके, या मैं क्या कर रहा हूँ उसको लेके, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा, ठीक है, आपको बताते रहेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके अवेयर हो सकें, गाइड हो, उनको गाइडेंस मिल सके, और वो डायरेक्ट सेलिंग को बुरा ना बोल के एक अच्छा फ्यूचर है इसके बीच में बना सकें, ठीक है जी। सो बाकी अभी के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, आई होप मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।